हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन सिविक्स क्लास। आज हम लोग चैप्टर 7 को कंटिन्यू करेंगे, जो है आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। ये उसका पार्ट 3 होने वाला है। इसमें हम लोग आज देखेंगे अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लीजिमेट गवर्नमेंट। इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि अकाउंटेबल और रीजनेबल और लीजिमेट शब्दों का प्रयोग किस संदर्भ में किया जा रहा है। ऐसे तो इसके शाब्दिक अर्थ कुछ और होते हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए या एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए इनका प्रयोग किस ढंग से किया जाता है, इसको हम लोग समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अकाउंटेबल गवर्नमेंट से। अकाउंटेबल इट प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन फॉर व्हाई एंड हाउ सक्सेस और फेलियर ऑक्योर। ये अकाउंटेबल होने का मतलब ये है गवर्नमेंट का कि वो सिटीजन्स के लिए उत्तरदायी हो, आंसरेबल हो अपने सिटीजन्स को। किस चीज़ के लिए आंसरेबल हो? जो वो काम कर रही है उसमें अगर उसको सक्सेस मिलता है या फेलियर मिलता है, दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है। जब गवर्नमेंट किसी काम को करती है तो उसमें उसको सक्सेस भी मिल सकता है, उसमें उसको फेलियर भी मिल सकता है। तो चाहे रिजल्ट जो भी हो, चाहे फेल में आए या सक्सेस में आए, उसको बताना है कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ। ये आंसर गवर्नमेंट को देना पड़ता है, यानी कि ये इट इज़ रिज़ल्ट फोकस। ये रिज़ल्ट को शो करता है कि जो गवर्नमेंट ने जो काम किए उसका रिज़ल्ट क्या आया, सक्सेस आया या फेलियर आया, और क्यों और कैसे आया, ये भी आंसर देना पड़ता है सिटीजन्स को। गवर्नमेंट को उसका आंसर देना पड़ता है सिटीजन्स। अब हम लोग देखेंगे रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। इट रिलेट्स टू द गवर्नमेंट ड्यूटी। ये गवर्नमेंट के ड्यूटी से रिलेटेड चीज़ है कि वो कितनी जिम्मेवार है अपने ड्यूटी के प्रति। जो काम उसने अपने हाथ में लिया कि इस काम को करना है देश के सिटीजन्स के लिए, क्या वो उस काम को बहुत ही रिस्पॉन्सिव ढंग से करती है या नहीं। तो इसका कहने का मतलब है कि उस टास्क को अगर वो रिस्पॉन्सिव ढंग से करती है तो उसके रिजल्ट्स जो हैं वो सक्सेस में आएंगे, और अगर वो उस काम को सही ढंग से नहीं करती है तो उसके रिजल्ट्स जो हैं वो फेलियर में आएंगे। तो ये जो होता है रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, इसको हम लोग टास्क फोकस भी कह सकते हैं कि ये टास्क पे फोकस करता है, और अकाउंटेबिलिटी जो है वो रिज़ल्ट पे फोकस करती है। तो अगर काम सही होगा, अगर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को गवर्नमेंट सही ढंग से निभाएगी, जो काम उसने शुरू किए उसको अच्छे ढंग से एग्जीक्यूट करेगी, तो उसके रिज़ल्ट निश्चित रूप से सक्सेसफुल होंगे। तो यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसके बाद अकाउंटेबिलिटी का बात की बात आती है। पहले तो जो काम गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लिया कि इसको हम लोगों को करना है सिटीजन्स के लिए, और उसको सही ढंग से एग्जीक्यूट किया अपने टास्क को, तो निश्चित रूप से रिज़ल्ट अच्छे आने वाले हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो टास्क फोकस होती है, और अकाउंटेबिलिटी जो है वो रिज़ल्ट फोकस होती है। आपने अक्सर हम लोगों के प्राइम मिनिस्टर जो हैं मोदी जी, उनको अक्सर बात करते हुए सुना होगा स्पीचेस में उनके, वो गवर्नमेंट के रिज़ल्ट के बारे में बात करते हैं, रिपोर्ट कार्ड के बारे में बात करते हैं। तो वो क्या कहना चाहते हैं? वो कहना ये चाहते हैं कि जिस काम को गवर्नमेंट ने करना शुरू किया उसको सही ढंग से एग्जीक्यूट किया, और वो सक्सेसफुली आपके सामने है रिज़ल्ट के रूप में। तो ये गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को दिखाती है। तीसरा पॉइंट है लीजिमेट गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट विच इज़ लीगली चूजन बाय पीपल। जिस गवर्नमेंट को लोग अपने वोट डालकर लीगली चूज़ करते हैं, ऐसी ही गवर्नमेंट होनी चाहिए डेमोक्रेसी में। तो डेमोक्रेसी जो है उसमें लोग वोट डालते हैं, और आप एक लीगल गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है डिक्टेटरशिप की तरह कि कोई भी सेना का अध्यक्ष जो है वो आकर के प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठ जाएगा, क्योंकि वो लीगली चुना नहीं गया। लोग उसको पसंद करते हैं नहीं करते हैं ये पता नहीं है, बट वो आकर के चेयर पे बैठ गया प्राइम मिनिस्टर के।
तो इस तरह की गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, वो एक लीगल गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि पब्लिक के द्वारा चुन करके बनाई गई हो। तो उम्मीद है बच्चों ये तीन पॉइंट्स आपको क्लियर हैं कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो रिजल्ट फोकस होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो टास्क फोकस होती है, और लीजिमेंट गवर्नमेंट जो है वो लीगली चूजन होनी चाहिए, यानी कि कानूनी रूप से वोट डाल करके उसको चुना गया होना चाहिए, ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इज़ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इफिशियंट एंड इफ़ेक्टिव। क्या एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो इफ़ेक्टिव और इफ़िशियंट होती है? तो आइए देखते हैं। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड निगोसिएशन। ये जो इसमें डेमोक्रेसी में जो आइडियाज़ होते हैं, जो भी काम करना है गवर्नमेंट को, वो आइडियाज़ हैं गवर्नमेंट के जिनको वो आगे चल के एग्जीक्यूट करने वाली है। तो उन आइडियाज़ को किस तरह से लाया जाए सिटीजन्स के लिए, ये इस बहुत सारे डेलिब्रेशन और निगोशिएशन से होके गुजरते हैं, यानी बहुत सारे विचार विमर्श तर्क होते हैं, तब जाके बहुत सारे मंथन के बाद एक रिज़ल्ट आता है कि ऐसे किया जाए, और इसमें काफ़ी समय लगता है। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन की चर्चा हुई, एक दिन की बातचीत हुई, एक दिन की निगोशिएशन हुई और उस पर निष्कर्ष पे पहुंच गया, गया कंक्लूज़न ले लिया गया कि यहाँ बस ऐसा ही करना है, ऐसा नहीं होता है। बट इसमें एक प्रॉपर वे है जिससे जा करके एक लंबे टॉक्स के जरिए, एक लंबे निगोशिएशन के जरिए ये बातें तय होती हैं कि गवर्नमेंट किस आइडियाज़ पे काम करे। सम डिले इज़ बाउंडेड टू टेक प्लेस, और इन सब चीज़ों में जो ये प्रोसीड्योर है इसमें एक समय लगता है, एक तरीका है, एक कार्य करने का ढंग है डेमोक्रेसी का, और उसके थ्रू ही जाना पड़ता है किसी भी आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने से पहले एक ओवरऑल निगोशिएशन करके एक बात तय की जाती है और उसमें समय लगता है। सम डिले इज़ बाउंडेड टू टेक प्लेस, इट इज़ बेस्ड ऑन द नॉर्म्स एंड प्रोसीड्योर। ये नॉर्म्स और प्रोसीड्योर पे निर्भर करता है, और वो एक बनी हुई प्रणाली है जिसके तहत चर्चाएं होंगी और फिर एक निष्कर्ष पे पहुंचा जाएगा। दिस फैक्टर इज़ मिसिंग इन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और यही निगोशिएशंस, यही डिलीब्रेशंस और यही प्रोसीड्योर और नॉर्म्स की कमी होती है अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स में और डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में ये सारी चीज़ें ली जाती हैं, काफ़ी समय दिया जाता है और चीज़ें सब काफ़ी निकल कर सामने आती हैं, तब किसी निष्कर्ष पे, तब किसी कंक्लूजन पे पहुंचा जाता है। बट डिक्टेटरशिप जैसे जहां डिक्टेटरशिप है वहां क्या होता है, तुरंत निर्णय ले लिए जाते हैं, एक व्यक्ति का निर्णय होना है और वो तुरंत उस निर्णय पे पहुँच जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे करना है, तो उसमें गलतियाँ ज़्यादा होती हैं। और डेमोक्रेसी में चूंकि इतना बातचीत और इतने नेगोशिएशंस हो जाते हैं तो उसमें गलतियों की संभावना बहुत ही नॉमिनल हो जाती है। टू मेजर द आउटकम्स वी शुड लुक फॉर द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस। जब हम लोग आउटकम्स की बात करें कि आखिर आउटकम्स पे हम लोग क्या पहुंचते हैं, तो हम देखेंगे कि इन प्रैक्टिसों को ध्यान में देने की ज़रूरत है। द रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन डेमोक्रेसी में कंडक्ट किए जाने चाहिए। जब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा, एक लीजिमेट गवर्नमेंट नहीं आ सकती है, एक लीगल गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो सकती है जब तक इलेक्शंस जो हैं फ्री एंड फेयर ना हो। तो अगर मान लीजिए कि किसी कंट्री में बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं, तो ये माना जाएगा कि उस कंट्री में जो एक डेमोक्रेसी को अपनाई हुई कंट्री है उसमें जो है एकदम फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं और वहाँ एक लीगल गवर्नमेंट फॉर्म हुई है। ओपन पब्लिक डिबेट्स इन लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेचर है उसमें डिबेट्स जो हैं पब्लिक के लिए ओपन होने चाहिए, ताकि लोग समझ सकें कि उनके इंटरेस्ट की बात, उनके एक्सपेक्टेशंस जो हैं उन पे क्या लेजिस्लेचर में जो रिप्रेजेंटेटिव को वो चुन कर भेजे हैं वो उन मुद्दों को उठा रहे हैं या नहीं,
उन पॉइंट्स को, उन इश्यूज को राइज कर रहे हैं यानी लेजिस्लेचर में। तो आजकल हम लोग देखते हैं कि जो लेजिस्लेचर में डिबेट्स होते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा, उसको मीडिया के सामने ओपन कर दिया गया है और वहाँ कैमराज लगे रहते हैं जिनका डायरेक्ट टेलीकास्ट टीवी वगैरह पे होता रहता है। तो हम लोग आसानी से सिटीजन्स जो हैं वो बैठ कर देख सकते हैं कि लेजिस्लेचर में चल क्या रहा है, कौन पक्ष में बोल रहा है, कौन विपक्ष में बोल रहा है, क्या तर्क दिए जा रहे हैं किसी मुद्दे पे, किसी इश्यूज पे कौन से तर्कों का सहारा लिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं सिटीजन्स के सामने। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, वहाँ के लेजिस्लेचर को बिल्कुल ओपन होना चाहिए डिबेट्स में, कि जो भी डिबेट्स हो रहे हैं वो एकदम ट्रांसपेरेंट हो और पब्लिक को सारी चीज़ें समझ में आए। और राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शन, जो गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है, जो भी काम कर रही है गवर्नमेंट, उसकी इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन वो पीपल्स के पास होनी चाहिए। इसके लिए एक RTI एक्ट 2005 लागू किया गया है। 2005 में एक कानून बनाया गया जिसको हम लोग RTI एक्ट कहते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इसको फुल इसका नेम है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, यानी कि सिटीजन्स को ये राइट है कि वो गवर्नमेंट के सारे कामों की जानकारी बिल्कुल ले सकते हैं। एक छोटी सी सूचना उनको दर्ज करानी पड़ती है कि मुझे इस बात की जानकारी चाहिए, और ऑफिशियली वो जानकारी गवर्नमेंट की तरफ से उस सिटीज़न को उपलब्ध करा दी जाती है इस एक्ट के तहत। तो हर कुछ ओपन हो चुका है सिटीजन्स के लिए, सिटीजन्स हर चीज़ को देख रहे हैं कि गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है। तो यही आउटकम्स होने चाहिए कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो किसी कंट्री में, और लेजिस्लेचर को डिबेट्स उसके ओपन होने चाहिए, लोगों के सामने होने चाहिए ताकि लोग उसको जान और समझ सकें और तभी उन पर रिएक्ट कर सकते हैं प्रॉपरली। अगर उनको इस बात की जानकारी नहीं रहेगी तो वो फिर रिएक्ट नहीं कर सकते हैं। और उनको राइट टू इंफॉर्मेशन हो, अगर उनको किसी बात की जानकारी नहीं मिल पा रही है तो वो चाहें तो ऑफिशियली उस बात की जानकारी RTI फाइल कर उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें आउटकम्स के रूप में अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री दे रही है तो इट मीन्स कि वो कंट्री जो है अच्छे आउटकम्स देगी। सिटीजन्स हैव द राइट टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजंस गवर्नमेंट ले रही हैं उनकी सही जानकारी पीपल्स के पास, उसके सिटीजन्स के पास होनी चाहिए, अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। ये उनका फंडामेंटल राइट है, सेक्शन आर्टिकल 19 ये कहता है कि उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच कब मिल सकता है, जब उनके पास इंफॉर्मेशन हो तभी वो किसी बात को बता सकते हैं, बोल सकते हैं उस पर। तो ये एक फंडामेंटल राइट भी है कि गवर्नमेंट के सारे इंफॉर्मेशन एक सिटीजन के पास उपलब्ध हो। इट इज़ नोन एज ट्रांसपेरेंसी, इसको हम लोग ट्रांसपेरेंसी कहते हैं कि बिल्कुल गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और कोई भी पब्लिक हर कुछ इन्फॉर्मेशन जान सकती है, तभी एक गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होगी। क्योंकि अब उस गवर्नमेंट को हमेशा डर बना रहेगा कि पीपल्स के सामने सारी चीज़ें ओपन हैं, कोई भी चीज़ हिडन नहीं है, पब्लिक सब कुछ जानती है, ये गवर्नमेंट को पता होना चाहिए, तभी वो रिस्पॉन्सिबली अपने टास्क को करेगी और तभी रिजल्ट्स सही आएंगे और वो अकाउंटेबल भी हो जाएगी कि इजीली अपने अकाउंटेबिलिटी को बता सके, अपने रिजल्ट्स को शो कर सके पीपल्स के सामने। इट मेक्स गवर्नमेंट फ्री ऑफ करप्शन, और ये बातें जो हैं वो एक गवर्नमेंट को करप्शन से दूर भी करती हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा कि अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव और लिजिमेंट गवर्नमेंट क्या होती है। एक तो रिज़ल्ट फोकस होती है, दूसरी टास्क फोकस होती है। जब टास्क सही होगा तो रिज़ल्ट सही आएगा। तो गवर्नमेंट अगर काम जो भी ले रही है, जिन चीज़ों का वो शिलान्यास कर रही है उसका उद्घाटन भी करके दिखाए, है ना, यानी कि उसको रिज़ल्ट में कन्वर्ट करे, ये
उनका काम होता है, और दूसरी चीज़ कि वो एक लीगली फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा करके चुनी गई सरकार होनी चाहिए। और इस तरह हम लोग जो देखते हैं कि जब वो लेजिस्लेचर के सारे काम जो हैं, वो सारे डिबेट्स जो हैं, वो जब पब्लिक डोमेन में होंगे तो पब्लिक को सारी बात की जानकारी होगी, और पब्लिक अपने रिप्रेजेंटेटिव को भी वहाँ देखती है कि जिनको मैंने चुनकर भेजा है वो कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो इट मीन्स कि उनको 5 साल के बाद वहाँ की जनता जो है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता, सिटीजन्स, उनको रिप्लेस करने वाले हैं। तो ये डर रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर भी बना रहता है कि मुझे जो जिम्मेवारी सिटीजन्स ने दी है उसको मैं फुलफिल करूँ जाकर लेजिस्लेचर में। और इससे करप्शन भी कम होता है। RTI एक्ट जब से लागू हुआ है तब से लोग इन्फॉर्मेशन मांगना शुरू कर दिए हैं गवर्नमेंट से, किसी भी काम के संदर्भ में इन्फॉर्मेशन, कितने बजट का काम है, काम हो रहा है नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ये सारे इन्फॉर्मेशन्स उनको मिल जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये एक गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंट बनाता है, जिससे करप्शन भी एक गवर्नमेंट की दूर होती है। तो अगर ये सारी चीज़ें एक गवर्नमेंट में हैं तो निश्चित रूप से उसके आउटकम्स अच्छे आएंगे, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो बच्चों, ये तो हम लोग समझ गए, उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।